इंडियन न्यूज 24 आवर। रांची चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने लालू पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बड़ी बात यह है कि लालू समेत सभी दोषियों को जमानत नहीं मिलेगी, इसके लिए उन्हें उच्च अदालत में जाना होगा। देवघर कोषागार से अवैध तरीके से 89.27 लाख रुपए निकालने के मामले में यह बड़ा फैसला आया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू समेत सभी 16 दोषियों ने रांची की बिरसा मुंडा जेल में एक साथ बैठकर जज का फैसला सुना। मामले में दोषी ठहराए गए फूलचंद्र महेश प्रसाद, बी जूलियस, राजाराम, राजेंद्र प्रसाद, सुनील कुमार, सुधीर कुमार और सुशील कुमार को भी 3.5 साल की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि पिछले साल 24 दिसंबर को सीबीआई जज ने 1,99,00,994 के बीच देवघर के सरकारी कोषागार से 89.27 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया था। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया था। सजा का फैसला 3 जनवरी को ही आना था, पर तारीख एक दिन कर टलती जा रही थी। नन ऑफ द कॉन्विक्टेड फॉर स्कैम कैन टेक बेल फ्रॉम रांची कोर्ट, दे विल हैव टू मूव हाई कोर्ट। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हमेशा से लालू प्रसाद का डर था, उन्हें साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। तेजस्वी ने कहा कि ऐसे समय में हमारी पार्टी एकजुट है और हम मिलकर संघर्ष करेंगे, बिखराव की झूठी खबर फैलाई जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि हमारे पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, हम फैसले के खिलाफ उच्च अदालत जाएंगे। इस बीच लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि उन्हें लालू यादव बेल मिल जाएगी, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वी आर कॉन्फिडेंट दैट ही लालू यादव विल गेट बेल, वी हैव फुल फेथ ऑन जुडिशियरी, वी आर नॉट गोइंग टू बी काउड। https://www.1,515,236,791,000JDU ने कहा, बिहार की राजनीति का ऐतिहासिक फैसला लालू यादव को 3.5 साल की जेल के फैसले पर जेडीयू की नेता के त्यागी ने कहा, हम फैसले का सम्मान करते हैं, बिहार की राजनीति में यह एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा। इसके साथ ही एक अध्याय समाप्त हो गया है, जाने क्या है पूरा मामला। जनवरी 1996 में करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले का खुलासा हुआ था। तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने पशुपालन विभाग के दफ्तरों पर छापा मारा। इस दौरान ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि 1990 के दशक में ऐसी कंपनियों को सरकारी कोषागार से चारा आपूर्ति के नाम पर पैसे जारी किए गए। जो ही नहीं, रांची में सीबीआई कोर्ट ने 1,992 के बीच देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 89.27 लाख निकालने से जुड़े केस में लालू को सजा सुनाई गई है। कोर्ट दिसंबर में ही लालू समेत 16 लोगों को दोषी ठहरा चुका था। 1996 में पटना उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले में जांच के आदेश दिए थे। देवघर ट्रेजरी केस में 1997 में 38 लोगों पर चार्जशीट दाखिल हुई, इनमें 11 की मौत हो चुकी है जबकि 3 सरकारी गवाह बन गए। 2 ने गुनाह कबूल कर लिया था। जिन आरोपियों को अदालत ने चारा घोटाले के इस मामले में दोषी करार दिया था, उनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, 3 IAS अधिकारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं।